हेलो वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ हमारा 29.5 फीट बाय 29 फीट यानी कि 29 बाय 39 का हमारा ये प्लान है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है इनकी 4 BHK सेट, इनको 4 बेडरूम चाहिए जो कि हमने बना लिए हैं। सबसे पहले हम इस स्टेयर केस से ऊपर आ जाते हैं। आप चाहें तो इस स्टेयर केस से ऊपर आ जाएं और आप चाहें तो इस स्टेयर केस से भी ऊपर आ सकते हैं। इस घर में 2 स्टेयर केस हैं, तो चलिए हम इस स्टेयर केस से ऊपर आ जाते हैं और हम इस डोर से अंदर एंट्री करते हैं। तो जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं आप लॉबी में आ जाते हैं। लॉबी का साइज़ आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, इनको 9 फीट 10 इंच बाय 13 फीट 10 इंच की हमने ये लॉबी बनाई हुई है। लॉबी के आपको इस साइड में देखने को मिलता है सबसे पहले बेडरूम। इसका डोर हमने यहाँ 3.5 फीट का दिया हुआ है। इस बेडरूम का साइज़ है आपका 12 फीट बाय 15 फीट 9 इंच का बेडरूम बनाया गया है। इसी के साथ वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने एक विंडो यहाँ पर 2.5 फीट की और 2.5 फीट की विंडो यहाँ पर लगा दी गई है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन हो जाए। और इसी के साथ आपको एक और डोर 3.5 फीट का देखने को मिलता है जो कि आपको आगे की तरफ जो बालकनी है उस पर लेकर के आता है। उसके बाद चलते हैं हम आगे की तरफ, तो आपको बेडरूम के बराबर में ही देखने को मिलता है पूजा रूम। इसका डोर हमने यहाँ से 2.5 फीट का दे दिया है। पूजा रूम का साइज़ है आपका 8 फीट 1.5 इंच बाय 4 फीट 4.5 इंच का पूजा रूम बनाया गया है। पूजा रूम के बराबर में ये स्पेस आपको ओपन बिलो देखने को मिलता है। यहाँ पर लॉबी के वेंटिलेशन के लिए विंडो फर्स्ट लगा दी गई है, यहाँ से लॉबी का फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको देखने को मिलता है किचन, जिसके लिए हमने डोर 1 दे दिया है किचन का। यहाँ से आप एंट्री करते हैं। इस किचन का साइज़ है आपका 8 फीट 1.5 इंच बाय 9 फीट का ये किचन बनाया गया है। इस किचन के वेंटिलेशन के लिए डोर 2 यानी कि विंडो 2 से हमने अरेंजमेंट कर दिया गया है, यहाँ से फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपको इस किचन में एल साइज़ की स्लैब भी देखने को मिलती है। उसके बाद आते हैं लॉबी के राइट साइड में, तो राइट साइड में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है यहाँ पर सेकंड बेडरूम, जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है इनको 3.5 फीट का। इस बेडरूम का साइज़ है आपका 8 फीट 8 इंच बाय 15 फीट 9 इंच का बेडरूम बनाया गया है। इसके वेंटिलेशन के लिए एक विंडो यहाँ पर दूसरी विंडो यहाँ पर लगा दी गई है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन हो जाए। और इसी के साथ आपको 3.5 फीट का डोर देखने को मिलता है जो कि आपको आगे की तरफ बालकनी में ले करके आता है। अब चलिए इधर चलते हैं। ये आपका सेकंड बेडरूम था, इसके बराबर में आपको देखने को मिलता है यहाँ पर डोर 2। इससे आप अंदर जाते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर बाथ, जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर इनको 5 फीट 5.5 फीट 4.5 इंच की हमने बाथ बनाई हुई है। इसके बराबर में आपको स्टडी रूम आपका रह गया था। ये स्टडी रूम के लिए हमने यहाँ 3.5 फीट का डोर दे दिया है। स्टडी रूम का साइज़ है आपका 10 फीट बाय 10.5 फीट का स्टडी रूम ये बनाया गया है। इसके बराबर में ये बात मैंने आपको बताई दी है। उसके बाद आपको एक और बेडरूम देखने को मिलता है, इसके लिए हमने यहाँ से 3.5 फीट का डोर दे दिया है। इस बेडरूम का साइज़ है आपका 11 फीट बाय 11.5 फीट का ये बेडरूम बनाया गया है। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो लगा दी गई है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन हो जाए। इसी के साथ आपको इससे अटैच देखने को मिलती है टॉयलेट। ये इनकी रिक्वायरमेंट थी कि टॉयलेट अटैच होनी चाहिए, तो टॉयलेट हमने अटैच कर दी है। टॉयलेट के लिए हमने यहाँ से डोर 3 दे दिया है। टॉयलेट का साइज़ है आपका 5 फीट बाय 9.5 फीट के टॉयलेट इनको बना करके हमने दी हुई है। टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया गया है, यहाँ से टॉयलेट का फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। उसके बाद आप इस डोर से चलते हैं अपने आगे की तरफ, तो आप ओपन टेरेस में आ जाते हैं। ये सारा हमारा ओपन टेरेस ही है। उसके बाद आप पीछे की तरफ जाते हैं तो आपको ओपन बिलो देखने को मिलता है। उसके बाद देखने को मिलती है आपको एक छोटी सी WC, जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर इनको 3 फीट बाय 4 फीट 4.75 इंच की WC हमने बना करके इनको दी हुई है। तो 29 बाय 29 के प्लान में काफ़ी अच्छा ये प्लान बनाया गया है। 4 BHK सेट है, तो आप इससे कुछ आइडिया ले सकते हैं अगर आपके प्लॉट का साइज़ यही है। नहीं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जो भी आपके प्लॉट का साइज़ होगा उसके हिसाब से हम आप प्लॉट बना करके आपको सेंड कर देते हैं आपका मैप बना करके। और व्हाट्सएप पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।